जब बाद में तो सब मुझे मुंह लगाएंगे, तो फिर सोचो जरा कि मैं आपको मुंह लगाऊंगी क्या। नहीं ना, अब जंप आई ना तो जोर से मोबाइल जाके मेरा यहाँ नीचे गिरा। तो डॉनी बिस्मिल्लाह झुक के ऐसे झुक के जाके चाय उठा ली, इतनी मतलब ना वो ये बस घर आए तो उन्होंने कहा टेस्ट करो, बहुत असली और मजे की, और वाकई में बहुत मजेदार है। फ्राइडे के बाद एक और दिन है, फिर है थी ईद, तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से हज मुबारक। तो खैर एंजॉय करें, टेंशन ना लें। नेशनल एंथम हो रहा है, फिर सब खड़े हो गए आज। चलो तो जी बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं फौरन से घर की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना ट्रैफिक है जी, क्योंकि मैंने देखी है ट्रैफिक। मैं अच्छा खासा टर्न ले रही थी, लेते लेते ना एकदम से स्कूल की बस जो है ना मेरे बीच में आ गई। स्कूल बस जब मेरे बीच में आ गई ना तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गई, जब मैं घबरा गई तो फिर मैं शर्मा गई, जब मैं शर्मा गई तो फिर मैं पछता गई। शेर बोला है तब चीप की सब शेर बोला है नारी तुमने। शर्मा गई, घबरा गई एंड पछता गई इन द एंड। सुन रहे हो दुनिया वाले तुम लोग, इन द एंड पछता गई बेटा। मुन्नी बदनाम तो हुई थी, बट अब जो है ना मुन्नी बदनाम होने के बाद बहुत पछताई है, बहुत ज्यादा। ये मुन्नी ने रियलाइज कर लिया है कि यार ये मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। मुन्नी को लग पता गया है कि कुछ गड़बड़ हो गई है मुन्नी से। अरे तो दुनिया वालों सब्सक्राइब कौन करेगा? अभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे ये बताओ मुझे। हाँ, मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे, देखो फिर क्या फायदा होगा? फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना, फिर मैं आप लोगों को कैसे याद रखूंगी ये बताओ। अभी जो लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे ना वो मुझे याद रहेंगे, क्योंकि बुरे वक्तों में वो मेरे साथ खड़े रहे तो मुझे याद रहेगा, अरे यार ये बंदा ये बंदी थी जिसने मुझे ना इस टाइम पे सब्सक्राइब किया था, जिसने मुझे जब फॉलो किया था जब किसी ने मुझे मुंह नहीं लगाया था, और जब बाद में तो सब मुझे मुंह लगाएंगे, तो फिर सोचो जरा कि मैं आपको मुंह लगाऊंगी क्या। नहीं ना, तो इसलिए हमेशा जब किसी का साथ दो ना तो बुरे वक्त में साथ दो, अच्छे वक्त में तो हर कोई खड़ा हो जाता है साथ देने, बुरे वक्त में जो लोग साथ देते ना बस वही समझो आपके अपने होते हैं। तो मैं याद रखूंगी उन सबको जो मेरा अभी साथ देंगे, जो अभी मुझे फॉलो करेंगे। मिलियन मिलियन होने के बाद अगर किसी ने मुझे फॉलो किया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि ये तो मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है मेरे मिलियन सब्सक्राइबर है ना। इसलिए बेटा आप लोग चलाको, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं आप लोगों से ज्यादा चलाको, यू नो, ताकि ना सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो बहुत प्यार से, और उसके ऊपर से बेल आइकन जो होता है ना साइड में घंटी बनी हुई छोटी सी, उस घंटी को भी प्रेस करो फटाफट से, ताकि आप लोगों को पता चले मैं सुबह कितने बजे बच्चों को लेके निकलती हूँ, कितने बजे वापस घर पे आती हूँ, और फिर घर पे आके मैं क्या क्या करती हूँ, क्या चीजें प्रो मैक्स मेरी लाइफ है क्या नहीं है। तो यू नो अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमें इसी तरह से प्यार दिखाएंगे अपना, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करेंगे, इसी तरह से मेरे साथ रहेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा यार। मेरे रिश्तेदार भी मुझे देखते हैं बहुत सारे, माशाल्लाह मेरे रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी मुझे देखते हैं माशाल्लाह, बहुत सारे सर्कल बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबका दिल से दिल की गहराइयों से जो है ना ये वाला हार्ड आप सबके लिए। मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ आगे, अब ये ट्रैफिक कितनी देर में मूव होती है आगे, अब हम डिसाइड करते हैं उस हिसाब से फिर हम घर कितनी देर में पहुंचते हैं। चलो तो जी आज मैं घर पहुंची हूँ 8:13 पे आज हम घर पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए आज हम। हमारा जो मोबाइल है ना यहाँ लगाया हुआ था, हमने इधर इसके साथ चार्ज हो रहा था, वो भी इतनी जोर से ना जंप आई ना तो इतनी जोर से मोबाइल जाके मेरा यहाँ नीचे गिरा, फिर अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाई तो मैंने अपना मोबाइल उठाया यहाँ से। उसके साथ साथ लू की थप्पड़े आती हैं, ऐसा लग रहा है लू ना थप्पड़े मार रही है मुंह के ऊपर, बुरी तरह चल रही है। तो गोवा फार्म लंच बॉक्स, अल्लाह हाफिज। हमारा खाना शाना हो चुका है, वकार भी ऑफिस चले गए और अफाम साहब को अपना वर्क याद आ गया, आपको आ गया है अपना वर्क याद। तो अफाम कह रहे हैं कि जी मैं करूंगा अभी वर्क, तो अभी ये वर्क में बहुत बिजी हूँ, देख रहे हैं हम गाइस। गाइस अफाम वर्क कर रहे हैं, वर्क ऑफिस का वर्क, और मेरी चाय में लेकर आई हूँ चाय, कब से
यहाँ रखी है लाके के ठंडी होगी पीऊंगी, और चाय ठंडी हो चुकी है और मुझे इतनी लेजीनेस हो रही है कि मैं सिर्फ यहाँ से उठ के ये सामने टेबल के ऊपर ना यूं झुक के ऐसे झुक के जाके चाय उठा ली, इतनी मतलब ना वो ये बस दिल चाह रहा है यूं टम हो जाऊं सो जाऊं ऐसी फीलिंग आ रही है अभी तो फिलहाल। वो खाना भी बनाना है मुझे भी। ये मैंने चावल निकाल दिया, अब इसको मैं भिगाऊंगी। प्याज मैंने काट के रख दी थोड़ी सी, किसके लिए? रायते के लिए। यहाँ पे हमने रख दिया है जी मसाला। आज मैं बनाऊंगी आलू चना पुलाव। मैं अभी खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इधर अंदर जो है ना आलू गल रहे हैं। अगर मैंने इनको खोल के आपको दिखाएं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हम गले भी नहीं और आपने अभी से है ना हमें सबको दिखा दिया। आज हमारे पास आई है ये बाकर खानी। बाकर खानी होती है ना, हाँ, पाकिस्तान डिलाइट की, हैदराबाद नहीं, हैदराबाद नहीं, लाहौर की, लाहौर की बाकर खानी। और इतने मजेदार है ये। वकार के कोई फ्रेंड लेकर आए लाहौर से लेकर आए, तो उन्होंने कहा टेस्ट करो, बहुत असली और मजे की, और वाकई में बहुत मजेदार है ये। बच्चों को तो पसंद नहीं आती क्योंकि इसके अंदर ना ये बादाम वगैरह होते हैं ना, तो बच्चे तो यू नो हेल्दी चीज के लिए तो वैसे बच्चे दुश्मन होते हैं। तहजीब हाफी है ना शायद मैं समझी उसकी उसकी है ये ब्रांड, बड़ी कोई तहजीब जगह है वहाँ की है ये लाहौर की। अगर लाहौर से कोई मुझे मेरा व्लॉग देखता है, मुझे देखता है या किसी लाहौरी ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या वाकई लाहौर में ये तहजीब की जो बाकर खानी है बहुत मशहूर है। तो ये जो है ना आज हम, ये देखो जी मेरा हो गया चना पुलाव रेडी। ये देखो ये अफाम का हो गया है जी। यहाँ पर बस अफाम को चने नहीं खाने होते, इसमें सिर्फ आलू खाना होता है। अफाम सिट डाउन बेबी, सिट डाउन, खड़े होकर कौन वर्क करता है, सिट डाउन नहीं। और बिस्मिल्लाह व्हाट हैपेंड विद यू, सिट प्रॉपर, ईट एंड राइट। A few moments later. तो जी इस टाइम बज गए हैं जी 11:15 और बच्चे दोनों के दोनों सो चुके हैं। कल है इनका स्कूल, स्कूल का है लास्ट डे, उसके बाद हो जाएगी ईद, ईद के बाद हो जाएंगे जी वेकेशन स्टार्ट। और कल जो है ना हमें कहाँ जाना है, कल हमें जाना है एक जरूरी जगह पे, और कौन सी जरूरी जगह पे जाना है वो मैं आपको लेके जाऊंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी जरूरी जगह है वो, तो आप लोग मेरे साथ चलेगा कल। तो इसलिए आज जो है ना मैं आज का दिन यहाँ जल्दी से खत्म करती हूँ क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है। अभी मैं लाइव जाऊंगी, वकार ने मुझे 9 बजे नहीं 8 बजे, वकार ने मुझे फोन करके, मेरी बात हुई थी तो वकार ने मुझे 8 बजे फोन करके कहा था कि मैं बस अभी नमाज पढ़ूंगा मगरिब की और फिर सीधा घर के लिए निकलूंगा। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर दोबारा जब कॉल की थी तो वकार ने कहा मुझे टाइम लगेगा आते हुए, पता नहीं एकदम सडनली क्या काम उनको हो गया कि उन्होंने अब आने में टाइम लगा दिया। तो खैर देखो वो कब तक आते हैं, अगर मुझे नींद आ गई तो मैं सो जाऊंगी, अगर नींद नहीं आई तो फिर मैं टिकटॉक पे लाइव ही रहूंगी। और मिलेंगे हम टुमारो एक और नए दिन के साथ। कल है जी फ्राइडे, फ्राइडे के बाद एक और दिन है, फिर है जी ईद। तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से हज मुबारक, जिस जिसने हज किया अल्लाह ताला उन सबके हज को कबूल करे, और जो जाना चाहता है हज पे अल्लाह ताला उन सबको हज के ऊपर लेकर जाए हम समेत। तो आप लोग रखना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना दो, हमें याद मिलेंगे टुमारो एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए दीजिए अपनी बहन को इजाजत, तो टाटा बाय बाय शब्बा कर दुनिया वालों, चीक 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 का।